एक ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जो हम दोनों से शादी कर सके, जो आप दोनों से शादी कर सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार जैसा कि आप जानते ही हो, शादियों का मौसम चल रहा है यार। भाई इसकी तो सरकारी नौकरी भी नहीं है, देवली ने इसने क्या देख लिया, बिल्कुल फ्लॉप। नहीं नहीं यार, ये नहीं यार, देखो आज के दिन मजाक भी उड़ाएंगे हम देवलीना का। और देवलीना को बस मैं यही बोलूंगा, भाई शादी की ढेर ढेर बधाई है, और आपकी जिंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर सुबह तक जॉय की कमी ना हो। एहे, रहा नहीं जाता, हमें उसी से बच्चा चाहिए, दोनों को उसी से बच्चा चाहिए। क्या दोनों को एक से ही बच्चा चाहिए? मैं जा रहा हूँ भाई, पहले चश्मा दे जा, तेरे जैसा 3600 की लाइन पहले लग रखी है। मिल गया उनको उनके हिस्से कुत्ता, आई मीन धूला। लड़का मिल चुका है जो कि हमारे इशारों पे नाचेगा और हमारा कुत्ता बनकर दिखाएगा, कुत्ता बनकर रहेगा ये। हाँ। दिखाएगा क्या, कैसे रहेगा? अरे मैं कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं बन जा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अच्छा अच्छा सही है। मगर तू चिंता मत कर मेरे भाई, अपने पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी जिसमें तुझे एक लड़की और एक भाभी मिलेगी। जो भी शादी करेगा हम दोनों से एक ही मर्द चाहिए, हमें दो मर्द नहीं। और अगर ये कॉम्बिनेशन पसंद नहीं तो दो भाभी वाला कॉम्बिनेशन भी है। मना नहीं कर रहे, हम शादी के लिए तैयार है, लेकिन हमें एक ही लड़का चाहिए, सोएगा हम दोनों के साथ ही वो। एक लड़का और चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। अरे भाई दूल्हा बनना है, कुत्ता थोड़ना बनना है। अच्छा चल, दूल्हा बनना है ना, मतलब कि एक ही लड़की से शादी करनी है, तो अपने पास एक और कैड़ा ऑप्शन है भाई। ये देख, ये आपकी गाड़ी का, ये जैगवार भी आपकी है? नहीं है तो भाई ऐसा लड़का चाहिए तुम्हें जो जैगवार वगैरह चला ले। घर जमाई चाहिए आपको? मतलब संभालेगा कौन फिर? क्या बोला तूने? अबे क्या बोला क्या है यार, इतनी सारी गाड़ियां मिल रही है, जैगुआर मिल रही है, बंदी मिल रही है, और क्या चाहिए भाई तुझे? जैगुआर तो आती है चलाने। भगवान, कभी तू कुत्ता बनने का ऑप्शन दे रहा है, कभी तू ड्राइवर बनने का ऑप्शन दे रहा है, और ये आंटी जितनी फेंक रही है ना, आंटी का हुलिया देख के बता सकते हो कि आंटी बुध बाजार के छोले भटूरे के काउंटर में बैठ के बस दो ही काम करती है, एक 20 रुपए में टोकन देना और दूसरा टिश्यू पेपर देना। अबे भाई यार तू गुस्सा क्यों कर रहा है यार? मैं तो यही बोलूंगा भाई, ये ऑनलाइन स्कैम से बचो, और भाई बंदी खुद ही बटा लो, बस हर दिवाली पे करते रहो, ये तुम्हारा पटाखा, ये मेरा पटाखा, हम लोग का पटाखा, मेरा पटाखा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? बंदी पटाना तो पटाखा ही पटाना, कहीं गुटके बाद लौंडिया मत पटा लेना। सुनो, तुम गुटका खा नहीं सकते क्योंकि तुम लोग पहने हुए ऐसे चूड़िया चूड़िया, ये गुटका है ना मर्द लोग खाते हैं, और जब ऐसे दांत गंदे होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है चुम्मी लेने में, ठीक है ना? रट चाहिए क्या हो रट को? अगले टॉपिक पे चलता हूँ, काफी लोग बोलते हैं क्रिकेट की भी बात किया करो, तो यार क्रिकेट जगत में इस टाइम पे खलबली मची हुई, क्योंकि कैप्टन भी बदल के देख लिया, ओपनर भी बदल के देख लिया, बैट्समैन भी बदल के देख लिया, बॉलर भी बदल के देख लिया, ऑलराउंडर भी बदल के देख लिया, मगर रिजल्ट वही का वही, कब फिर से हार गए। और अब क्रिकेट प्रेमियों को ये पुकारा कि भैया बाबा जी को लेकर आओ, क्योंकि बाबा जी सब कर सकते हैं। बाबा जी बताना जरा इनको अपनी बातें। हम जब खेलते थे हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे, बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। अच्छा। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते, तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर के भी हमें पसंद आते। अबे भाई मान जा भाई, बकवास 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 करवा लो फिर से। ये बता तूने कोई गाना नहीं देखा क्या? ओ अच्छा गाना, हाँ देखा है, गाना देखा मैंने, और वो गाना देखने के बाद गारंटी से कह रहा हूँ कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री कोस रही है इस बंदे को। बस ये गाना मैंने यहीं पे रोक दिया, मतलब ये कौन सा एरोप्लेन है जिसमें टोनी कक्कड़ को लैंडलाइन फोन तक मिल रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। अबे टोनी कक्कड़ का गाना नहीं, शहनाज का गाना। अच्छा शहनाज का गाना क्या होता है? शहनाज का गाना रिलीज हुआ भाई, बंदू के इतने मैसेज आए भाई, गद्दार साबित कर दिया मुझे मैसेज के अंदर कि भाई तू तो गद्दार है, तूने रिव्यू नहीं करा इस गाने का, तू गद्दार है गद्दार। ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो मेरे को टाइम कम मिल पाता है, बट मैं जब भी वीडियो लेकर आता हूँ तो पुरानी बात जरूर करता हूँ यार, और मैंने सही में गाना देखा है, तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा था मैंने गाना नहीं देखा, देख लो मैंने लाइव बैठ कर लाइव रिकॉर्ड किया था जब मैं देख रहा था इस गाने को। बस ऐसे ही एफबीआई की तरह मेरे पड़ोसी मेरे घर में दरवाजा तोड़ कर आ गए थे कि देख रिव्यू करना कर, रोस्ट करना कर, लाइव करना कर, मगर गाना मत गाइयो गलती से भी। तो यार मैं इसके आगे फिर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, और इस गाने के अंदर जो शहनाज की लुक आई है उसको देखकर तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्या शहनाज जैसा है कोई?
बेटा शहनाज जैसा है कोई नहीं। लुक्स की बात है तो इस गाने के अंदर सबसे प्यारी लुक मुझे शहनाज की जो लगी है ना वो ब्लू कलर में लगी है। शाम ने छोरा के खंजर गाड़ के। अच्छा अब आया ना लाइन पे क्योंकि तेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, तुझे लाइक चाहिए, तुझे कमेंट चाहिए। तूने शहनाज का अगर गाना देखा तो मेरे सवाल का जवाब दे कि एमसी स्क्वायर की इस हालत का जिम्मेवार कौन है? ए वो जहरीला पानी जिसको एमसी स्क्वायर पीना चाह रहा था, बी शहनाज गिल ने जो अपने लोटे से पानी दिया उसको पीने से एमसी स्क्वायर की हालत हुई, सी वो जो सांप रेंग रहा था उसके डसने से एमसी स्क्वायर की ये हालत हुई। वैसे वो सांप इच्छाधारी नागिन हिमांशी भी हो सकती या फिर तेजस्वी भी। आई थिंक मैं चूज करूंगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ अबव, क्योंकि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग एमसी स्क्वायर की इस हालत की जिम्मेवार ये सारी लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई है, और ये वही लड़कियां हैं जिनको एक लड़का चाहिए, एक ही लड़के से बच्चा चाहिए। शादी के लिए मना नहीं कर रहे, हम शादी के लिए तैयार, लेकिन हमें एक ही लड़का चाहिए भाई, फुल चाटम चाट चल रही है यहाँ तो। और इन्हीं पत्नियों की खुशी के लिए ये पति पति धर्म को निभाते निभाते परमेश्वर को प्यारा हो गया। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ए बी सी या डी। और बात हो रही है शहनाज गिल की तो बात जरूर करेंगे बिग बॉस 16 की, जिसमें आए काफी सारे धुरंधर और शहनाज गिल भी आए थे इसके अंदर, और शहनाज गिल ने तो यार भाई ओपन खुला एकदम खुला सपोर्ट दे डाला है। किसको? साजिद खान को। एंड हाँ मेरी सपोर्ट आपके साथ है। पर जो बंदा मुझे सही लग रहा है यार उस बंदे का नाम है ठाकरे, शिव ठाकरे। वादे के पक्के और इरादे के नेक हैं हम। और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही उसका नाम है पापी गुड़िया, क्या नाम है भाई इसका, क्या नाम था भाई? कहीं अर्चना की तो बात नहीं कर रहा? अरे अर्चना नहीं, अर्चना 2.0 यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी। मुझे बताया क्यों कर रही है तुम ये सब? क्यों? क्योंकि मेरी तरफ से कुछ कंटेंट मिल जाए मैं परसों नहीं जाऊँ। अच्छा ऐसा क्या? यार बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट पर तो अलग से वीडियो आएगी, मगर बात करूं यहाँ पर बिग बॉस के कुछ पुराने कंटेस्टेंट की, नहीं आज शिफाली बग्गा की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले की तरह ही अब भी शराबे बेच रही है, मगर इस बार जो देखने लायक बात है वो आई है भाई रश्मि देसाई के ऊपर। सब क्या देखना पड़ रहा है? और रश्मि देसाई के इस लुक के ऊपर खबर छपी तो छपी क्या कि उर्फी जावेद की पूरी मम्मी लग रही हो और 40 साल की बुढ़िया लग रही हो। यह बात पढ़ने के बाद तो मुझे एक ही चीज याद आई भैया, वट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और ये बात बोली अपने सिद्धार्थ भाई ने जिनका बर्थडे अभी 12 दिसंबर को निकला है, जिस पर फिर से 1 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है लगातार 4 साल 2019-20-21-22 1 मिलियन ट्वीट्स एक बड़ा रिकॉर्ड। भाई को भी मेरी तरफ से बर्थडे और जहां पर भी है मेरी तरफ से एक केक। ये सब सिद्धार्थ की तरफ से और सब सिड फैंस की तरफ से थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, और अब नहीं मेरे जाने का टाइम हो चुका है मेरी मोटरसाइकिल, अरे स्टार्ट करो यार स्टार्ट करो ना, अरे आ रहा हूं 2 मिनट आ गया बाय।